कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ये क्या स्क्रीन स्टॉप हो गई है क्या? मैम शेयर ही नहीं हो रही, अभी देखना। यस मैम, अब सही है। ठीक है, चलो ओके ओके। तो अपन ने क्या कर लिया था, केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया था, है ना? और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा तुम्हें, ठीक है? बस कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? हो सकता है कि कुछ चीजों में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता के रखना मैम, ऐसे क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आती है, ताकि हम सैटरडे को बहुत ज्यादा उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है? वैसे मैं करवाऊंगी। जसप्रीत, नवनीत हो क्या? तो हम ट्राई करेंगे, मैं जैसे हमेशा करवाती हूँ नीट के पीवाई क्यूज, वैसे तो अपा को टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि रिवीजन क्लास में ही उसको कंप्लीट करा दूँ, है ना? आई थिंक जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी तक करवाए हैं उसके एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है ना कि जिसमें मैंने नहीं करवाए हो तुम लोगों को नीट के पीवाई क्यूज, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है ना? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सबके हो गए होंगे, हो सकता है एक आधा चैप्टर रह गया हो, बट ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं, ठीक है? अरे इधर बेटा, बाद में बात करना प्लीज, फोकस ऑन आयनिक इक्विलिब्रियम, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे इस चैप्टर को पढ़ के, मैं पहले बता दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है? केमिकल इक्विलिब्रियम से डबल ट्रिपल आइए, ठीक है? हाँ, तो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, केमिकल में और आयनिक में। केमिकल हमारा हो चुका था, आयनिक हमें स्टार्ट करना है, एंड ये 8 लेक्चर्स का चैप्टर है बेटा, मुझे चाहिएंगे 7 से 8 लेक्चर्स, मान के चलो 8 लेक्चर्स का तो ये है ही है। इसमें जो अपा बेसिकली टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस रहेगा, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। और ये ऐसा चैप्टर है, चलो पहले टॉपिक बता देती हूँ, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिर हम बेसिकली पढ़ेंगे आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे जो आप केसी पढ़ते थे उसको हम रिप्लेस करेंगे के ए से एसिड के लिए, ठीक है? के बी, बी स्टैंड फॉर बेस, ठीक है? डब्ल्यू स्टैंड फॉर वॉटर। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर में, ठीक है? और आपका टॉपिक है पीएच। फोर्थ आपका टॉपिक रहेगा क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। और फिफ्थ रहेगा आपका टॉपिक बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। एंड सिक्स्थ जो रहेगा लास्ट टॉपिक वो रहेगा सोल्ट हाइड्रोलिसिस। और सारे सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, सारे सुपर डुपर इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। हालांकि दिखने में तो लग रहे हैं 6 टॉपिक है, लेकिन इनको लग जाएगा काफी टाइम, ठीक है? तो ये वाला चैप्टर ऐसा है जो बहुत टाइम लेगा, एज अ टीचर मेरा तो लेगा ही लेगा, और तुम्हारा तो बहुत ज्यादा लेगा, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। मतलब इसमें इतने तुम्हें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इतने न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर बोलूंगी यही वाला है। और जेई में और नीट में बच्चे जो है थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम तो वो कर लेते हैं, बिकॉज ईजी रहता है चैप्टर, बट वो थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ के जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि छोड़ना आएगा तो छोड़ आएंगे। जेई वाले तो स्पेशली ये करते हैं, क्योंकि उनको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। तो बच्चे जो गलती सारे बच्चे कर रहे हैं वो आप लोगों को नहीं करते हैं। देखो इजी चैप्टर हर कोई करके जाएगा, इजी क्वेश्चन हर एक कोई अटेम्प्ट करके आएगा। कॉम्पिटिशन कहाँ से बढ़ेगा, जहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ ट्विस्ट होगा या क्वेश्चन अच्छे लेवल का होगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये वाले चैप्टर्स करके जा रहे हो तो आप ऑलरेडी बाकी बच्चों से आगे हैं, समझ रहे हो? तो ये वाले चैप्टर्स को छोड़ना तो नहीं है आप लोगों को। अगर कोई पढ़ा रहा है आपको, आपको कोई टाइम दे रहा है, जैसे मैं दे रही हूँ आपको, तो उस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्लास में रेगुलर आना है, और अपने जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ। वही है अपना पहले एनसीईआरटी नीट के पीवाईक्यूज, और जो जेई वाले बच्चे हैं पहले एनसीईआरटी वो, उसके बाद जेई के पीवाईक्यूज, ये सब उनको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है जी? दिशा, दिशा यादव, चेतना, कनिष्का कोई नहीं है यहाँ पे, वंदना, प्रियंका कहाँ है भाई सारे? हाँ लक्ष्य बोल बेटा। मैं हूँ। लक्ष्य बोला क्या मैंने?
आप बोलने वाले थे ना, मैंने पहले हाथ खड़ा कर दिया। ओ तेरे को बड़ा मेरे मन की बात पता चल गई। नहीं मैं लक्ष्य तो नहीं बोल रही थी, मेरे को पता है तुम आए हो। ठीक है अंजलि आ गई है, थोड़ा जल्दी ज्वाइन करा करो प्लीज। उसमें आप बोल दो ग्रुप में कि प्लीज जल्दी ज्वाइन करो, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। नवनीत ने ज्वाइन किया ही नहीं है, नहीं तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती। अच्छा सॉरी, मैं पहली सॉरी बोल देती इससे पहले तुम गुस्सा हो जाओ। ठीक है ओके नवनीत, तुमने अपना रजिस्टर्ड आईडी और मोबाइल नंबर डाला है ना, जिससे तुम वैसे करती हो लॉगिन। चलो जानवी भी आ गई, चलो चलो आज का जो लेक्चर है ना, एक तुम्हें पहले ही खुश कर देती हूँ, बाद वाले लेक्चर्स में तो थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है तो उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। जितने भी न्यूमेरिक, जितने भी फॉर्मूला है ना, वो क्लास में ही कंपाइलेशन करवाएं करेंगे उसका, जैसे अपा पहले करते थे, है ना। तो आज का लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, राजी हो जाओ। और आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है, बेसिक से भी बेसिक, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका बेसिक ही होता है, हर चैप्टर में यही होता है कि पहला लेक्चर तो ऐसा होता है जो समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती। तो आजकल जो लेक्चर है वो भी ऐसे होने वाला है। ठीक है और मैम इसमें से क्वेश्चन आते हैं? यस आते हैं, क्वेश्चन तो आते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो आज के लेक्चर में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है चलो मैम स्टार्ट करो। देखो बेसिकली आज हम पढ़ने के वाले हैं, तुम्हें टॉपिक देख के पता चल रहा होगा, थियोरीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब यहाँ पे हम एसिड और बेस के बारे में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। वैसे तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो एसिड और बेस, लेकिन वो आप लोअर क्लासेस वाले छोटे बच्चे वाले डेफिनेशन पढ़ के आए हो। अब हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले तो आपकी जो पुरानी नॉलेज है वही यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद थोड़ा इसको एक्सटेंड आगे तक लेके जाएंगे। आज हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ने, अगर अलग अलग बंदे आए जिन्होंने एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन दी, आज उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी चलो। अच्छा अब बात आती है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम का मतलब मेरे स्टूडेंट्स को सबको पता है। ठीक है आयनिक इक्विलिब्रियम देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, आयंस होंगे उसके अंदर, देख पा रहे हो। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं ए प्लस बी नेगेटिव, और ये इक्विलिब्रियम में है ए बी के साथ, बोल सकती हूँ ना इसको आयनिक इक्विलिब्रियम का टाइप दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये आयंस है ये मॉलिक्यूल्स है। तो आयंस का मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम हो सकता है, या हो सकता है दोनों आयंस और रिएक्टेंट वाली साइड भी और प्रोडक्ट वाली साइड भी इसके जैसे। तो ये किसके बीच में इक्विलिब्रियम है, आयंस आयंस के बीच में है, हाँ ये ना बोलो। यानी कि तुम्हें इतनी तो खबर हो गई कि आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस का तो लोचा होगा ही होगा, है ना। इतना तुम लोगों को देखते ही पता चल रहा है टॉपिक को, राइट। अच्छा जी और प्लीज क्लास में लीव मत करना, बीच में लीव करोगे तुम लोगों का ही नुकसान है। ठीक है अच्छा ओके। तो बच्चे सबसे पहले जो मैं बात करूंगा फैराडे के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। फैराडे का नाम सुना है तुम लोगों ने? किसी ने नहीं सुना। वैसे तो फिजिक्स में आएगा, हालांकि केमिस्ट्री में भी आएगा 12th क्लास में, फैराडे फर्स्ट लो सेकेंड लो। जो फैराडे नाम का जो बंदा था उसने अपने एज में बहुत काम किया है इनके ऊपर। तो बेसिकली उसने क्या किया है ना, उसने सब्सटेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। किसने? फैराडे ने। क्या बोल रही मैं, सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया है उसने, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस में। हाँ टर्म्स तुम्हें नई नई देखने को मिलेंगी आज, बट मुश्किल नहीं है। ठीक है और इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, ठीक है ये देखने को मिलेगा। ठीक है इन दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। अब मैम ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक की बात करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डालने, हाँ हाँ वही 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 नवनीत, माइकल फैराडे। ठीक है जो पानी में डालने के बाद किसमें टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, ऐसे वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोल गई मैं, जो पानी में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है
अच्छा फैराडे को कैसे पता चला मैम? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है ये वाले, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है, क्योंकि उसने जब देखा, जैसे अगर मान लो सपोज मैं सिंपल बात करती हूँ NaCl की, तो आपको पता है NaCl ऐसे टूटता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो जब इसने देखा तो देखा NaCl क्या करता है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये तो तुमने सुना होगा। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी वो किस वजह से कंडक्ट करेगा? आयंस की वजह से, क्योंकि जब आयंस का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या हो रहा होगा, वो आयंस में डिसोसिएट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली कैटेगरी में डाल दिया, मतलब उसमें क्या होंगे, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। सही बोल रही हूँ? बोलो, आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, तभी क्या है उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाया। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते हैं, जैसे आपका वो हो गया ग्लूकोज, हो गया सुक्रोज, हो गया, ये सारे क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर है, ये सारे क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब पानी में डालेगा, जब पानी में डालोगे तो वो इसलिए डिसोल्व नहीं हो रहे हैं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, किसी दूसरे रीजन की वजह से डिसोल्व हो रहे हैं। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आई थिंक थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, है ना। अच्छा NaCl पानी में क्यों डिसोल्व हो रहा है? क्योंकि वो कंप्लीटली क्या है डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस और Cl नेगेटिव में। तो क्या तुम्हें नॉन इलेक्ट्रोलिटिक का डेफिनेशन और इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस का डेफिनेशन क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, जो डिसोसिएट हो रहे हैं पानी में उनको डाल दिया इलेक्ट्रोलिटिक वाली कैटेगरी में, और जो नहीं डिसोसिएट हो रहे हैं उनको डाल दिया नॉन इलेक्ट्रोलिटिक की कैटेगरी में। क्योंकि हमारा टॉपिक है बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब आयंस की तो बात हम करेंगे ही करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नो? तो क्या तुम मुझे बताओ, क्या हम इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस की बात करने वाले हैं? नो मैम, हम बात करेंगे इनकी, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस की। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कुछ में आयंस वाला देखा था कि हम आयंस के अंदर केसी और केपी के वैल्यूज लिखते थे। हाँ जैसे केपी में तो हाँ ऐसे भी थे ना जिसमें आयंस में हो रहा होगा डिसोसिएट, ठीक है। आयंस तो आई थिंक मैंने कहीं लिखा नहीं था, आयंस तो मैंने कहीं नहीं लिखा। हम जैसे कि आपने रिएक्शन लिख दी थी आयंस में, और हमें केसी और केपी लिखने हाँ की ज्यादा एक एक स्टार्टिंग रिएक्शन लिखी होगी शायद मैंने, ये वाली ऐसा करके कुछ लिखा हुआ होगा मैंने। यस मैम लिखी थी ये हाँ वाली तो रिएक्शन। हाँ उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस को भी क्या है दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। क्या बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। पहली कैटेगरी है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी कैटेगरी है वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको ये सारा उतारने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आपको कुछ नहीं करना, पूरा लेक्चर ध्यान से सुनो। लेक्चर सुनने के बाद शॉर्ट नोट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालो। ट्राई करो कि हर क्लास के बाद जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक पेज में कंपाइल करके लिख दो। ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर का सुख हो जाएगा, मतलब जब तक तुम नीट जेईई क्रैक नहीं कर लेते, ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या आती है बच्चे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। हाँ प्रियंका लेट क्यों आई हो तुम? और आपके सोल्ट होंगे। अब ये नहीं लिख सकते आप स्ट्रॉन्ग सोल्ट, इसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही बोल देती हूँ। तो ये वाले क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मैम डेफिनेशन भी बता दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा, बाकी किसी को हो रही है क्या? नो मैम। ठीक है ओके। अब मैम इसके एग्जाम्पल बेटा लर्न करने पड़ेंगे, अभी से हैबिट डाल दो ये सब चीजें लर्न करने की, ठीक है। जैसे HCl, HCl के बारे में तो तुमने सुना होगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग एसिड है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने ये लिए 100 मोल लिए,
और 100 ये बन गए, 100 ये बन गए, मतलब पूरे तो कम्प्लीटली तो कोई डिसोसिएट नहीं होता है, ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब ये लगा लो 99% डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जनरली हम आयनिक इक्विलिब्रियम में इनकी भी बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वापिस एच प्लस और सी एल नेगेटिव आपस में कंबाइन नहीं होना चाहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम एक आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस ज्यादा नहीं करने वाले, ठीक है। जैसे H2SO4 है, इसका भी तुमने नाम सुना होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, सोल्ट है, ठीक है। अगर आप सोल्ट ऐसा ले लो जो किससे मिलके बनाओ, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग से मिलके बनाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग होगा। अगर एक भी स्ट्रॉन्ग होगा तो भी वो सोल्ट क्या है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे NaCl है, ये किससे मिलके बना होगा, NaOH से और HCl से, हाँ ये ना, तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ, मुश्किल लग रहा है क्या, ठीक है। जैसे H2SO4 है, ये कैसे डिसोसिएट होगा, H+ HSO4 नेगेटिव इसमें डिसोसिएट होगा, इसका एक और भी H प्लस निकाल सकते हो तो ये SO4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं NaOH की बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, तो Na+ OH नेगेटिव, ये भी कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और क्या मैं बोल सकती हूँ इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियरली इक्वल टू 1 होगा, या आई कैन ऑल्सो से 100% होगा, मतलब अप्रोक्स ऑलमोस्ट 100% होगा, बोल सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है, आज बच्चे बहुत कम है भाई, बहुत ही ज्यादा कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, वीक एसिड, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखना एक बार, इसके फेमस एग्जांपल है ये, सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा तुम्हें, पता नहीं कितना देखने को मिलेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पूरा भरा पड़ा है न्यूमेरिकल से जिसमें आप ये यूज करो। इसका नाम कोई बताएगा, 10th में पढ़ा था, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, शाबाश यार, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, ठीक है। हाँ, इथेनोइक, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये कैसे डिसोसिएट हो रहा है, CH3CO नेगेटिव H+। एक बार बताओ वीक होने का क्या मतलब है, तनु आ गई, ओके ओके, तो वीक होने का क्या मतलब है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक आयनाइज होगा। मतलब अगर मान लो मैं इसके 100% ले रही हूँ ये, तो ये लगा लो 5% ही डिसोसिएट होगा, बाकी 95% एज इट इज इसी फॉर्म में रह जाएगा। ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और तुम्हें यहाँ पे देख के ये भी पता चल गया होगा, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये NH4OH बहुत ही खराब किस्म का बेस है और बहुत ही पॉपुलर है, इन पे भी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, NH4+OH नेगेटिव। जैसे अमोनियम कार्बोनेट, अब मैम ये भी, ये क्या है, सोल्ट है। अब ये सोल्ट है लेकिन वीक है, क्यों, ये दोनों एसिड भी इसमें वीक होगा और बेस भी वीक से बन रहा होगा, तभी ये वीक है। देखो एक बार थोड़ा इरेज करूं क्या, ये ऊपर वाला कर देती हूँ इरेज। देखो जैसे NH4 2CO3, बेसिक क्लियर करते हुए चलना है तुम सबको, ये किससे बना होगा बच्चे, एक तो NH4OH से बना होगा, हाँ है ना, सोल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से तो बनता है ना, पता है ना। और ये किससे बना, ये CO3 कहाँ से आएगा, H2CO3, हालांकि क्या पता तुमने ये नहीं सुना हो, ये होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है। तो देखो दोनों वीक है, तभी इसका सोल्ट भी क्या है, वीक है। HCN क्या है, ये भी क्या है, वीक है। तो आपको रट्टा नहीं मान, ये धीरे धीरे चीजें लर्न हो जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। हाँ सुहानी मैं आ रही हूँ, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। हाँ बोलो, पहले सुहानी बोलेगी फिर तनिष्का, आप बोलना। मैम HCl का आपने जैसे बताया H+ और Cl- में वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और बाद में वो टेंडेंसी लूज कर देगा। मैंने पहले तो ये बताओ, मैंने कब बोला वो डिसोसिएट हो जाएगा, मैंने तो बोला ही नहीं, रिपीट कर दो।
मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने ये बोला है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पानी में जाने के बाद बहुत ही कम एक्सटेंट तक डिसोसिएट होंगे आयनाइज। HCN क्या है? वीक है, ठीक है। तो HCN जब टूटेगा तो इसमें टूटेगा, H प्लस प्लस CN नेगेटिव में। तो अगर मान लो इसका मैं 100 मोल ले रही हूँ तो ये सिर्फ 5-5 मिलेगा, बाकी 95 इसी फॉर्म में रह जाएगा। मैम HCl, हाँ HCN बोल रहे हो ना, HCN मैम हाइड्रोजन क्लोराइड। तुम HCl बोल रही हो HCN बोल रही हो? HCl। अच्छा भाई, मैं तो HCN सुन रही थी, तुम सबको क्या सुनाई दिया भाई? मेरे को ही याद है, मेरे को HCl सुनाई दिया बेटा। HCl तो स्ट्रॉन्ग है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। फिर मैम आपने बोला कि हम इस आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी बात नहीं करेंगे। अरे भाई तुम क्लास में नहीं हो आज। मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अगर तुम मान लो इसके 100 मोल ले रहे हो तो 99.99 डिसोसिएट हो जाएगा। कोई भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, मतलब ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन में ही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी ये रिएक्शन H plus Cl negative, बहुत हल्का, बहुत ही कम जाएगी बैकवर्ड में, बट थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जाएगी, इसलिए हम इसको ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस नहीं करेंगे। मेन हमारा फोकस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें आपका जो एसिड है या बेस है वो वीक है, उसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ज्यादातर, ये बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा किसके क्या होगा, 1 से कम होगा, लिख सकती हूँ। आप मान सकते हो इसका होता है, अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट थोड़ा डेटा बताऊं तो लेस देन इक्वल टू 0.05, इतना मिलेगा तुम्हें, मतलब जो हम मैंने याद कर वो आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, याद आ रहा है, जिसमें अपन ने अल्फा किया था, है ना। तो मैंने वहां पे बताया था 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अल्फा होता है वो 0.05 या इससे कम होता है, ठीक है जी। चलो आगे, क्या मैं इसको इरेज कर दूं अगर आपको थोड़ा ऐसे लग रहा है मेसी सा हो गया, या ठीक है लिखे रहने दो? रहने दो। दिव्यांश आप बहुत लेट आए हो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिखे रहने दो। चलो आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। नोट्स आपको इस चैप्टर के बहुत अच्छे मिलेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन, बेशक नोट्स आप बनाओ ही ना इस चैप्टर के, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स बना लो हर चैप्टर, मतलब हर लेक्चर के बाद, और न्यूमेरिकल्स करो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो 12th के बच्चे हैं वो मेरे को कहते हैं मैम आयनिक इक्विलिब्रियम का 1 शॉट ले लो। कैसे ले लूं 1 शॉट, भी 5 घंटे में खत्म होएगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो मैंने उनको कहा मेरा लेक्चर देख लेना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो वो न्यूमेरिकल से डरते हैं, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले थोड़े ज्यादा है, इसलिए हमें क्या करना है, पहले से ही अपना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। अरे इधर इधर ध्यान दो लक्ष्य प्लीज, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और हमें फॉर्मूले टाइमली, जैसे जैसे मैम जो जो लेक्चर में फॉर्मूले करवाएगी वो हम करते जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, अब हम बात करेंगे। मैंने आपको याद करो, अभी जस्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा था मैं आपको थियोरीज बताऊंगी, तो अलग अलग बंदे आए थे जिन्होंने एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन दी थी। तो 3 बंदे आए थे, कौन कौन आए थे? पहला अरहेनियस आया था जो तुम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, सेकेंड आया था ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, एंड थर्ड आया था लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। तो इन तीनों बंदों ने अलग अलग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन दी, 1 by 1 करेंगे, एक करेंगे उसको फेल करेंगे, दूसरी करेंगे उसको फेल करेंगे, फिर लास्ट में तीसरा, गलत कोई भी नहीं है, बस ये लगा लो थोड़ी कम बातें बताई हैं अरहेनियस ने। चलो ठीक है, अब अरहेनियस क्या होता है, बहुत सिंपल है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 30 बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अरहेनियस क्या कहता है, याद करो अपनी 10th वाली क्लास, अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड की परिभाषा, एसिड की डेफिनेशन ये है कि एसिड वो होगा जो पानी में जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिसोसिएट तो होगा, लेकिन पानी में जाने के बाद वो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयंस देगा, यानी कि H प्लस देगा, उसको क्या बोला हमने, एसिड बोला है। किसमें देगा, एक्वस सोल्यूशन में, डिसोसिएशन इन वॉटर का मतलब एक्वस सोल्यूशन में हमें H प्लस देगा, सिर्फ H प्लस ही मिलना चाहिए, मतलब एक ही टाइप के आयंस मिलने चाहिए, एक ही टाइप, मान लो तुम सपोज ये ले रहे हो NaHCO3, सपोज इसको डिसोसिएट कराओगे तो Na प्लस, H प्लस,
और CO3 टू नेगेटिव दोगे, तो इसको नहीं बोल देना ऐसे, क्योंकि इसमें देखो दो टाइप के आयंस मिल रहे हैं, एच प्लस भी एन ए प्लस भी। मैं बात कर रही हूँ एच प्लस की, समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, जिनको हम जल्दी इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं अरे यार, अरे नहीं ऐसा एच प्लस डोनेट करता है, अरे भाई अभी मैं लिमिटेशन तुम लोगों से पूछूंगी इसकी। पहली बात क्या है, ये बात कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस देगा वो एसिड होगा, और अगर बेस किसको बोला उसने, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा बच्चे, OH नेगेटिव देगा एक्वस सॉल्यूशन में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, जैसे बच्चे HCl है, ये क्या दे रहा है एच प्लस सीएल नेगेटिव, HNO3 है, ये क्या दे रहा है एच प्लस NO3 नेगेटिव। अब आप मुझे ये बोल सकते हो मैम ये तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाया हुआ है, किसके दिमाग में आई ये बात? आई तो आनी की आई होगी, क्योंकि उसने ही पूछा था, आई थिंक क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि ऑलमोस्ट, कंप्लीटली तो नहीं बोला मैंने, ऑलमोस्ट तो मतलब अगर मैं ये बोलूं अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है देख के बोलो, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो जाएगी बैकवर्ड में, बेशक ना के बराबर जाए बट कुछ तो जाएगी, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ है, या था इसको, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, HNO3 H प्लस दे रहा है, NO3 नेगेटिव, तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है बच्चों, जो एच प्लस डोनेट करेगा, ठीक है, और बेस क्या होगा, जो OH नेगेटिव डोनेट करेगा, लेकिन किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है जी। yes, ma'am. वैसे एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन होता है। होता क्या है थोड़ा सा बता देते, वैसे ऑर्गेनिक में करवाऊंगी तुम लोगों को, आज का लेक्चर ना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ऑर्गेनिक में, क्योंकि यहाँ के कुछ कंसेप्ट डायरेक्टली तुमसे ऑर्गेनिक में पूछेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक्वस का मतलब क्या है, पानी, पानी होगा ना, और एच प्लस एसिड का एच प्लस, तो ये क्या करता है, वाटर इस एच प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, एच थ्री ओ पॉजिटिव, तो पानी में हाइड्रोनियम आयन होता है, ये बोला जाता है। तुम कहीं एनसीईआरटी में पढ़ो तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अरहेनियस की डेफिनेशन समझ में आ गई, जल्दी बोलो। यस यस, ठीक है। ऐसी बेस के लिए मैंने लिखा हुआ है एनए प्लस और ओएच नेगेटिव जो देगा, ये देखो ये वीक बेस है, ये देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, सीजियम का हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड तो लिया ही हुआ है, तो ये सारे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। तुम्हें मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ, जो अपने ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के होते हैं, सुना हुआ है ना ग्रुप वन ग्रुप टू, याद आया ना थोड़ा पीरियोडिसिटी? यस मैम। तो उनके जो बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो उनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो सिंपल सी भाषा है, ठीक है जी। ये आपका अरहेनियस है, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट पे चलने से पहले मैम, आप सेकेंड कंसेप्ट पे तो डायरेक्टली जंप करा रहे हो, पहले ये तो बताओ लिमिटेशन क्या है अरहेनियस कंसेप्ट की, तो आप अलग से अपनी नोटबुक में लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना अपने एनसीईआरटी में भी लिख लो। इस वाले लेक्चर के नोट्स बनाना मैं जनरली बच्चों को नहीं बोलती हूँ, सिर्फ आप कंपाइलेशन करके लिख लेना, क्योंकि अभी मैं बताने वाली हूँ जहां से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आज तक नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। चल, अरहेनियस से क्वेश्चन ब्रोंसिड से आएगा, हाँ, तो इसकी लिमिटेशन मैं ये लिख सकती हूँ बच्चे, पहली लिमिटेशन तो इसकी यही है, तुम्हें ही पता चल गया कि इसने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की बात की हुई है, ठीक है, इसने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की बात की है, कि अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होगा तो आप एसिड उसी को बोलोगे जो एच प्लस देगा, और बेस वही होगा जो OH नेगेटिव देगा। गैसेस के बारे में बात नहीं कर रखी इसने, HCl आपकी गैस भी तो होती है, क्या वो एसिड नहीं होगा क्या, CO2 आपकी गैस है, ये भी एसिडिक नेचर होता है इसका, समझ लो। तो ये लिमिटेशन थी पहली, कि एक्वा सॉल्यूशन की बात की हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लिमिटेशन इसने ये थी कि उसने सिर्फ ये बोला था कि हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, उसने ये नहीं बोला कि Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स की बात नहीं की थी, जबकि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं,
स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि जब आप इनको पानी में डाल दोगे तो ये हाइड्रोक्साइड देंगे, फिर वो फर्दर क्या देंगे, OH नेगेटिव देंगे। तो ये एक दो लिमिटेशन इसकी थी अरेनियस की, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे, नेक्स्ट वाली थ्योरी पे जंप किया, विच इज ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है इसमें, या क्लियर है मैम? सिंपल सा ही है ये तो, ठीक है जी, बोलो। नहीं है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है ब्रोंस्टेड लोरी। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, इस पे लिखो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, या स्टार बना लो। बेटा लिमिटेशन क्या थी, मैं थोड़ा धीरे बोल देती हूँ। जो आपका अरहेनियस था ना, अरहेनियस कॉन्सेप्ट, उसने सिर्फ बात की थी एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है? उसने ये कहा था कि अगर आपका एसिड है पानी में, उसको डालोगे तो एच प्लस देगा, बेस है तो OH नेगेटिव देगा। उसने गैसेस के बारे में बात नहीं की, जबकि HCl हमें पता है गैस ही है, तो वो भी क्या है आपका, क्या है, एसिडी तो है, जैसे CO2 है वो भी गैस है, लेकिन उसका नेचर क्या है, एसिड है वो भी, तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, समझ गयो? ये मेन उसकी लिमिटेशन है। सेकेंड है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, सबने डाल लिया, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, और यहाँ से लिख लो, नीट और जेई में क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा, ठीक है? चलो चलो, ब्रोंस्टेड लोरी भी क्या कर रहा है, एसिड और बेस की डेफिनेशन बता रहा है। एसिड इसके अकॉर्डिंग भी वही है जो एच प्लस डोनेट करता है, तो सेम है, अरेनियस ने भी यही कहा था, है ना? एसिड वही है जो डोनेट करता है एच प्लस, लेकिन इसने पर्टिकुलरली ये लिख के नहीं बोला कि एक्वा सॉल्यूशन में ही करता है, ठीक है? और बेस इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एच प्लस को जल्दी बोलो एक्सेप्ट कर सकता है। एसिड वो है जो एच प्लस को दे दे, एसिड क्या है जो एच प्लस डोनेट कर दे, और बेस क्या है जो एच प्लस एक्सेप्ट कर ले। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चों? मैम एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है? चलो, एसिड इज ए प्रोटोन डोनर, ये टैग लाइन ध्यान रखना, एसिड इज अ प्रोटोन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। मैम हाउ, कैसे? देखो आओ आओ इधर आओ, HCl है, अमोनिया है, ठीक है? ध्यान से सुनना, HCl से ये क्या बना रहा है बच्चे, Cl नेगेटिव बना रहा है, अमोनिया से ये क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव बना रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अपना H प्लस डोनेट कर रहा है, तो इसको मैं कौन सी कैटेगरी में डालूंगी? मैम ये तो एसिड हुआ, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, गेटिंग माय पॉइंट और नोट, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हुआ बच्चे, मेरा बेस हुआ, हाँ या ना? यस मैम, ठीक है। अच्छा, तुम्हें ये कोई दिक्कत है क्या कि मैम HCl ने जब H प्लस डोनेट किया तो यहाँ पे Cl नेगेटिव क्यों आया, मतलब नेगेटिव चार्ज क्यों आया, और अमोनिया ने जब एक H प्लस, मतलब जो H प्लस है वो एक्सेप्ट किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? किसी को पता है या नहीं पता है? वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये सारी चीजें, पता है? Yes, man, पता क्यों है। Yes, मुझे अमोनिया पॉजिटिव चार्ज क्यों आया अमोनियम आयन पे? HCl पे तो माइनस इसलिए क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसका, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन उससे जाके जुड़ गया इसलिए उस पे पॉजिटिव आया है। देखो ऐसे समझो, जो H प्लस दे के जाएगा वो माइनस छोड़ के जाएगा, क्या बोल दिया, जैसे HCl H प्लस दे रहा है तो माइनस छोड़ के जाएगा, ठीक है? अब वो NH3 क्या है, ये H प्लस एक ले रहा है तो इसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और वैसे भी तुम्हें पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3, तो अगर एक और बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें, ठीक है? तो बच्चे जनरली ऐसे वाली चीजों में भी क्या रहते हैं, थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? अच्छा मैम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो HCl से ये बना, इसने अपना H प्लस दिया तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, देखना एक बार। इसने क्या किया, H2O ने देखो क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, तो ये किसकी तरह आएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, देख पा रहे हो सारे? किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है क्या? देखो बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाली हूँ तुम लोगों को यहाँ पे, तो फोकस करो यहाँ पे, ठीक है? चलो आओ इधर आओ, इधर आओ, एक काम करते हैं, ये तो अभी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन को भी नजर मारोगे क्या? Cl नेगेटिव
एक एच प्लस एक्सेप्ट करके एच सी एल बना रहा है, ध्यान से देखो अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, और NH4 प्लस क्या कर रहा है, एक H प्लस दे रहा है तो NH3 बन रहा है, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस होगा और ये एसिड होगा, हाँ या ना, कंफर्म कीजिए, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना इन चीजों को, अपना स्ट्रोंग बनाओ बेसिक, ठीक है। तो यानी कि एसिड से ये बेस बन रहा है और बेस से एसिड, इनको हम क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। तो ये जो एसिड से बेस बना है, किससे बना है, एसिड से बना ना, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, लिख लेना स्पेलिंग, और ये बेस से एसिड बना है इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड। अभी थोड़ा नया नया लग रहा होगा, मैं और एग्जांपल्स दूंगी, क्लियर हो जाएगा, अभी तो ये घूम गया होगा तुम लोगों का, ठीक है। चलो जैसे आगे आओ, हाँ तनु बोलो मैम, पर जो NH4 होता है वो तो एक बेसिक होता है ना, वहां पढ़ लिया तुमने, NH4 कब से बेसिक होने लग गया भाई, कहाँ पढ़ा, गलती से बोल दिया आई थिंक तुमने, इधर आओ, यहाँ पे देखो एसिड ये बेस होगा और ये क्या होगा, एसिड का क्या होता है हमेशा कॉन्जुगेट बेस, क्या होता है जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, एसिड हैज कॉन्जुगेट बेस एंड बेस हैज कॉन्जुगेट एसिड, लिखो सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स भर दो, एसिड हैज कॉन्जुगेट बेस एंड बेस हैज कॉन्जुगेट एसिड, जल्दी करो, जल्दी 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 फास्ट, क्योंकि मैं बहुत भर भर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ इसमें से, क्योंकि आते ही यहीं से, बाकी आर्यनियस तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो आ जाओ, अपनी क्लास कब तक होती है, 8 बजे तक, 8:15, अच्छा 8:15 तक, ठीक है, ओके ग्रेट। वंदना आ गई क्या, वंदना एंड क्या नाम है उसका, वर्षा नहीं आए आज, चलो ओके। देखो यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है एस, इसने लूज किया प्रोटोन, देख रहे हो सभी, देख रहे हो, और ये क्या बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एसिड का कॉन्जुकेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुकेट एसिड होता है, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो। अब तुम्हारे पास NH4 प्लस है और वॉटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर आओ, NH4 प्लस ने क्या किया, H प्लस लूज करके क्या बनाया, NH3, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह, ठीक है। और इसने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, तो ये किसकी तरह वाटर बिहेव करेगा बच्चों, बेस की तरह। एसिड का क्या होता है, कंजुकेट बेस होता है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। एसिड का क्या होता है, कंजुकेट बेस होता है, और बेस का क्या होता है, कंजुकेट एसिड होता है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन को प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना, एक ले रहा है तो एक दे रहा है, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो ऐसी वाली रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। तुमने एक चीज नोटिस की, ये वॉटर ना दोगला है, वॉटर दोगला है, लिखूं क्या, दोगला है, क्यों, कन्वीनियंस के हिसाब से रोल प्ले मार करता है अपना, कभी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कभी बेस की तरह, यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं एक बार कहाँ गया, यहाँ पे देखो कहाँ गया, वो एक रिएक्शन था, आगे आएगी, चलो मैं ही लिख दे रही हूँ, मैं ही लिख देती हूँ रिएक्शन, देखो इधर जैसे HCl है और वॉटर है, ठीक है, ये एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा, इधर देखो तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, ये बेस है, H प्लस एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन देगा, यानी कि H3O पॉजिटिव। अगर मान लो मैं ले लूं अमोनिया और वाटर, अब क्या होगा, अब ये अपनी दोगला पंती दिखाएगा, ये बेस की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, NH4 प्लस बनाएगा, और ये एसिड की तरह काम करेगा और क्या करेगा, ये H प्लस डोनेट करेगा। तो यहाँ पे वॉटर ने अपने
मतलब के हिसाब से कभी वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, अगर उसके आगे स्ट्रोंग एसिड आ जाए तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर उसके आगे स्ट्रोंग बेस आ जाए तो उसकी कोई औकात नहीं है, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि वॉटर का कैसा नेचर है, एम्फोटेरिक नेचर है। क्या ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? यस मैम। जो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, अगर उसके आगे स्ट्रोंग एसिड आ जाए फिर तो उसकी हिम्मत नहीं है एसिड से लड़ पाने की, और बेस आ जाए उसके आगे स्ट्रोंग फिर तो मस्त मजे एसिड से एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में ना एक चीज ये चल रही होगी, मैम आप तो फटाफट बता रहे हो ये एसिड है बेस है, हमें कैसे पता चलेगा? धीमे धीमे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम एंटर किए हो ना इन चीजों में, धीरे धीरे आदत ही हो जाएगी तुम लोगों को। नींद में भी पूछूंगी ना तो तुम तब भी बता दोगे, ठीक है? तो अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? अभी सिर्फ सीखो मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है बच्चों? जैसे इधर आओ, ये देखो ये वॉटर है, दिख रहा है सभी को? ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एच प्लस देगा, तो ये क्या बना रहा है? HCO3 नेगेटिव। ओ सॉरी, एक मिनट गलत बोल दिया, ठीक है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? OH नेगेटिव। एक एच प्लस जाएगा, एक नेगेटिव छोड़ के जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, तो एच प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? इसके ऊपर क्या है, इधर देखना, दो नेगेटिव है, एक एच प्लस आएगा तो एक माइनस एक प्लस से खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एक माइनस बचेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो, NH4+ क्या है, यहाँ पे एसिड है तो क्या करेगा? एच प्लस देगा, ये बन रहा है। ये क्या बेस है तो क्या करेगा? एच प्लस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अभी मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन कौन बेस की तरह बिहेव कब करेगा, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, टेंशन मत लो, ठीक है? हो जाएगा, चलो। उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार जल्दी से इसको पढ़ लो, पढ़ना एक बार। सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज, जैसे वॉटर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोटोन को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। क्या बोल दिया मैंने? जो प्रोटोन को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे HCO3 है नेगेटिव, ठीक है, तो ये H प्लस दे भी सकता है, जब H प्लस देगा तो क्या बनेगा? CO3 2 नेगेटिव, और जब H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो H2SO4। तो ये दोनों काम कर रहा है, देखो ध्यान से, तो ये क्या है? एम्फोटेरिक। हाँ, और भी है, H3PO4 भी है, ठीक है? HSO4 नेगेटिव, ये भी क्या कर सकता है? H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है, तो ये भी क्या है? दोगला पद्धति, ठीक है? ये भी दोगला है, ये भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखो एक बार, क्लियर हो रहा है? yes, अब आ जाओ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं बोलने जा रही हूँ, अभी तो तुम्हारे ये घूमेगा थोड़ा, बट मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाती हूँ। अपनी नोटबुक में कुछ लिखो ना लिखो, ये जरूर लिख लेना, और मन में या मिरर के आगे खड़े होके 10 बार बोल देना कि स्ट्रोंग एसिड हैज अ वीक कंजुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज अ स्ट्रोंग कंजुगेट बेस, स्ट्रोंग बेस हैज वीक कंजुगेट एसिड एंड वीक बेस हैज स्ट्रोंग कंजुगेट एसिड। तुम्हें ये तो पता है ना, एसिड का कंजुगेट बेस होता है और बेस का कंजुगेट एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चीज ऐड कर दी कि स्ट्रोंग एसिड का हमेशा कंजुगेट बेस वीक होगा और वीक एसिड का हमेशा कंजुगेट बेस स्ट्रोंग होगा। स्ट्रोंग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होगा, वीक बेस का कंजुगेट एसिड हमेशा स्ट्रोंग होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे HCl सिंपल स्ट्रोंग एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव एसिड है, स्ट्रोंग एसिड है, क्या होता है? एसिड से बनता है ना कंजुगेट बेस। अभी तो मैंने कम से कम 10 एग्जाम्पल करवा दिए तनिष्क, क्या नाम है, सृष्टि कहाँ थे बेटा, ठीक है? स्ट्रोंग एसिड है तो H प्लस देगा, Cl नेगेटिव देगा, तो ये क्या है इसका? देखो इधर, स्ट्रोंग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, ध्यान रखना मेरी ये बात। ये जो बेस है वो वीक है भैया,
ठीक है मैम, ये वीक क्यों है, वीक क्यों है, धीरे धीरे आगे पता चलेगा तुम लोगों को, थोड़ा भी मैं ऑर्गेनिक में तो नहीं तुम लोगों को घुसा सकती, ठीक है। तो स्ट्रोंग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, वीक एसिड का स्ट्रोंग कंजुगेट, जैसे वीक एसिड कौन होगा, CH3COH, ये तो लर्न भी हो गए होंगे तुम लोगों को, है ना, इसका डिसोसिएशन करवाना तुम लोग, जल्दी देखो, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैम स्ट्रोंग एसिड है तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये वीक आप ऐसे भी समझ सकते हो, बेस क्या होता है जो एच प्लस को एक्सेप्ट करे, और ये सीएल नेगेटिव एच प्लस को एक्सेप्ट करके वापिस एचसीएल में नहीं जाना चाहता, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो मैंने कहा ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो क्या ये एच प्लस एक्सेप्ट करके वापिस एचसीएल में जाना चाहेगा, बताओ मुझे, हाँ या ना, नहीं जाना चाहेगा तो ये वीक ही बेस होगा ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम, अगर यस मैं मैम, इसकी बात करूं, कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा था कि अगर तुम ये 100% 100 मोल ले रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 5 5 मोल मिलेंगे, बाकी 95 इसी फॉर्म में रह जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड अपनी इसी फॉर्म में रहना चाहता है, तो जब वो डिसोसिएट होगा CH3CO नेगेटिव, तो क्या वो एच प्लस लेना चाहेगा, हाँ भाई मैं लेना चाहूंगा, वापिस अपनी उसी फॉर्म में जाना चाहूंगा, तो ये वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो बच्चे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। समझ में आया कंसेप्ट। अभी हम भर भर के क्वेश्चन करेंगे। ओके, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट का आ रही हूं मैं सुहानी, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन भी है, लाइक इसने क्या बोला था कि एच प्लस को जो डोनेट कर दे एसिड, एच प्लस को जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस, लेकिन देखो CO2 SO2 SO3 ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं एच प्लस नहीं दिख रहा है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। जैसे BF3 AlCl3 ये भी अच्छे एसिड्स होते हैं, लेकिन इसके बारे में तो बताया ही नहीं किसने, ब्रोंस्टेड लोरी ने, इन क्योंकि इनके पास अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी डेफिनेशन इनके पास प्रोटोन नहीं है देने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक यही सीखा जो प्रोटोन दे देगा वही ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड है, यही सिखाया ना मैंने अभी तक, यस मैम, ठीक है ओके। हाँ सुहानी तुम बोलो, क्या बोल रही थी, मैम ये जो चार रिलेशंस आपने बताए स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सबके इंडिविजुअल एग्जांपल्स नहीं होंगे क्या? अभी बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू ही करवाऊंगी, ठीक है। आप बेस को बच्चे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं, या जो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं वो बेस की तरह काम करते हैं, जैसे जैसे मैम Cl-, I- ये बेस है, ठीक है, Br- मैम बेस है, ठीक है, जैसे HSO4-, SO4-2-, ये बेस है जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सारे गिनती नहीं है, जैसे वाटर बेस है, अमोनिया बेस है, अल्कोहल बेस है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर है, समझ रहे हो, यस मैम, समझ रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएंगे समझ में, अगर थोड़ा कम आ रहा है समझ में, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आ जाओ का क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा है कि ये जितनी भी स्पीसीज दे रखी हैं, व्हाट आर कंजुगेट बेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके बताना है कंजुगेट बेस बताना है, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कंजुगेट बेस बताना है तो समझ जाना जो आपको गिवन होंगे वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे, क्योंकि एसिड्स के ही क्या होते हैं बच्चे, कंजुगेट पहले बताओ ये क्लियर करो, जब भी आपको बोला हो कि कंजुगेट बेस बता दो तो आपको क्या समझना है, जो आपके पास गिवन स्पीसीज है वो क्या है, एसिड्स है, वो क्या है, एसिड्स है, ठीक है। चलो फटाफट तुम लिखो फिर मैं बताती हूँ, जैसे HS- है, इसका कंजुगेट बेस बताओ, S2-2, ओके, HSO4-, सबका बताओ, CH3COH इसको रहने दे सकते हो, इसको रहने दो, ये भी मत करो फंसोगे, H2SO4 एसिड क्या करता है जल्दी बताओ, एच प्लस को डोनेट करता है, यानी कि H2-, एक नेगेटिव और था, एच प्लस और निकल गया, एक माइनस और छोड़ गया, ये क्या होगा, H2O,
ये क्या होगा, HPO4 टू नेगेटिव, ये क्या होगा SO4 टू नेगेटिव, और ये क्या होगा HSO4 नेगेटिव। देखना एक बार क्या सभी का यही आंसर आया है, चेक कीजिए। यस मैम। ओके, दिशा और दिशा यादव हैं क्या क्लास में? दिशा एंड दिशा यादव नहीं, आज बहुत बच्चे नहीं आए भाई। यस मैम क्यों बोल रहे हो लक्ष्य, तुम दिशा हो क्या? चलो ओके, ये करके दिखाओ। गिव द कॉन्जुकेट एसिड। अब इनके तुम्हें कॉन्जुकेट एसिड बताने, यानी कि जो ये दे रखे हैं वो क्या है तुम्हारे पास, बेस है। बेस बेस के क्या होते हैं, कॉन्जुकेट एसिड होते हैं। चलो जल्दी बना दो, शाबाश जल्दी करो। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, समझ गई। जल्दी बनाओ, मैं डायरेक्ट आंसर लिखवाऊंगी। बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वॉटर, H प्लस एक्सेप्ट करेगा H2CO3, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, माइनस है प्लस माइनस न्यूट्रलाइज H2PO4, ये करेगा CH3NH3 बन जाएगा, ठीक है। ये भी H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो HCO3 नेगेटिव, ठीक है। देख रहे हो, देख रहे हो? ओके बेस का कंजुगेट, बेस क्या होगा जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा CH3COOH2, ये क्या बन जाएगा NH3, और ये क्या बन जाएगा HCOOH। देखना सबके यही आंसर है। yes, yes, पक्का? पक्का जी। अच्छा मैंने यहाँ पे हटवाया क्यों, ठीक था भाई, ठीक था ठीक था, मैं उसमें हटवाना चाहती थी। एसिड का कॉन्जुकेट बेस है ना, तो एसिड है तो एच प्लस दे देगा, तो इसका ये बनेगा कॉन्जुकेट बेस। सो सॉरी, इसको कटवाना नहीं था, इसमें कटवाना था। चलो ठीक है, लिख दिया। तो इधर आओ, अब आपको बताना है इनमें से वो स्पीसीज बताना है जो बोन्सेड एसिड और बोन्सेड बेसिस की तरह बिहेव करेंगे, मतलब दोनों की तरह बोगला पंती दिखाएंगे। तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, वॉटर तो करता ही है, HCO3 नेगेटिव भी करता है, ये भी करता है, इन दोनों को देख लो। अगर मान लो बच्चे मेरे पास H3PO4 है, इसका तुम्हें कंजुगेट एसिड लिखना है और कंजुगेट बेस, ठीक है। अगर तुम्हें कंजुगेट एसिड लिखना है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. तो ये क्या करेगा, H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ये नहीं बनता है, ध्यान रखना ये नहीं बनता मैम। क्यों नहीं बनता, अब आगे ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है। बेटा एक मिनट सुहानी, तुम पूरा नहीं सुनती हो, ठीक है। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को देख के मैंने ये बताया है, अपा पी ब्लॉक में इसको करेंगे, लेकिन H4PO4 कुछ नहीं होता। हाँ अगर कंजुकेट बेस आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, कंजुकेट बेस कैसे बताओगे, जब आप इसको एसिड कंसिडर करोगे, यानी कि एच प्लस जो देगा, यानी कि HPO4, जल्दी बताओ, देखना ठीक है। ठीक है अच्छा ओके, आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं कर रहा। HS नेगेटिव का क्या सीन है, इसका लिख सकते हो क्या कंजुगेट एसिड? अगर कंजुगेट एसिड है तो ये बेस होगा, यानी कि H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, ये तो ये भी करेगा, सिर्फ ये नहीं करेगा। क्लियर है, देखो एक बार। यस मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ अब बोलो सुहानी, तुम लोग ये वाले करो, कंजुगेट एसिड लिखो इसके। हाँ बोलो मैम, जो पिछले वाली CH3COOH था, उसमें एक और एच ऐड होगा, उसकी टेंडेंसी रखेगा वो? रखता है, वैसे रखता है, इसलिए मैंने कहा था इसको काट दो, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हाँ रखता है, ये बनता है, ऑर्गेनिक में बताऊंगी इस तरह से बनता है, हालांकि ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था ये हटा दो, ठीक है? ओके मैम। जब जिस चीज को मैं बोलती हूँ ना हटा दो, तुम उसी चीज को पकड़ती हो, पकड़ा उस चीज को करो जो मैं कह रही हूँ, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। चलो आओ, राइट द कंजुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंसेड बेसिस। कंजुगेट एसिड लिखना है अब, यानी कि ये क्या है, सारे के सारे बेस है। चलो हो जाओ शुरू, बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एच प्लस एक्सेप्ट करेगा, एच प्लस एक्सेप्ट करेगा, देख लो मैच कर लो, सबका यही हुआ है, जल्दी मैच करो बच्चों। yes,
शाबाश मैम, ये तो बहुत सिंपल है आज की क्लास। हाँ इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये देखो, वो कह रहे हैं कि ये स्पीसीज ऐसे हैं, द स्पीसीज कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंसिड एसिड एंड बेस, गिव द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। क्या ये कर लोगे? यस सर। करवाने की जरूरत है? नहीं मैम, ये हम खुद ही करेंगे, आप ऑलरेडी करा चुके हो। ओके चलो ये करते हैं कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो वीक एसिड होगा हाँ, आपको क्या देखना है, वीक एसिड का ही स्ट्रोंग कॉन्जुगेट बेस होता है। पहले मत आंसर लिखो बेटा। सबके एसिड लिख लो, पता चल जाएगा। हाँ यशा, थर्ड ना? थर्ड ऑप्शन। राहुल नहीं है क्या क्लास में? राहुल हो जाओ थर्ड। इसके एसिड्स लिख सकते हो तुम, HCl लिख लो। इसका एसिड क्या होगा? H2SO4। इसका CH3COH और इसका HNO2। अच्छा सबसे वीक एसिड यही है, तो इसका कंजुगेट बेस यही होगा। हालांकि ऑर्गेनिक में हम पूरा डिटेल में जाएंगे, ऐसा क्यों है, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक करवा देना स्टार्ट, तो फिर अपना फिजिकल हटके ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। चलो आ जाओ। ओके ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेट एसिड ऑफ SO4 2-? यानी कि ये बेस है, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? मैम एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, HSO4। ठीक है, देखना सबका यही आया है कि इससे कुछ अलग भी चल रहा है कोई। नो बहुत बढ़िया, हाँ यही है बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और कंजुकेट। ये देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, तुम सिर्फ ये चेक कर लो ये तीनों ठीक लिखे हुए हैं क्या, चारों अपने आप आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, इनमें से आपको एक पक्का गलत मिलेगा। देखो स्पीसीज दी हुई है ये, हाँ बच्चे आया समझ में? यस मैम सेकंड वाला। अनुजी सिंह, सेकेंड वाला। ठीक है सेकेंड वाला, चलो देखते हैं। कंजुगेट एसिड है तो ये बेस है, एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर ये कंजुगेट बेस बताना है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि एच प्लस एक्सेप्ट करेगा। ये क्या, ये तो गलत है। मैम सी और डी सही है। ये कैसे मैम तुमने सही बोल दिया? आ एक वाला करना था क्या? सेकेंड, एक सेकेंड, कंजुकेट बेस है ना तो ये एसिड होगा, एसिड तो एच प्लस देता है। हाँ ठीक तो है ये, एसिड क्या होता है भाई, भूल गए क्या? आपको बताना है, मार्क द ऑप्शन इन विच कंजुकेट बेस पेयर एसिड बेस पेयर आर करेक्टली मैच्ड। एच प्लस जो डोनेट करेगा, ठीक है, बेस क्या होता है, जो एच प्लस एक्सेप्ट करेगा, यही है अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेड लोरी। तो एक बार ये वाला चेक करो, HCO3, इसका कंजुकेट एसिड लिखना है, यानी कि ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये एच प्लस एक्सेप्ट करेगा। ये तो गलत ही हो गया, ये तो कुछ और ही बना दिया इसने तो। ठीक है NH3 देखो, कंजुकेट एसिड लिखना है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये भी गलत है। HS-, कंजुकेट एसिड लिखना है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये H2S होना चाहिए, H2- कहाँ से आ गया? तो अनुजीत सिंह राइट, सही कह रहा है वो, HPO4 2- इज द करेक्ट। अभी क्लियर हुआ सभी को? यस। जल्दी बोलो, बी बी बी, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो चलो, आई थिंक इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन ब्रोंसेड लोरी का। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, मैंने बताई क्या आप लोगों को? कहाँ गई कहाँ गई? हाँ ये वाली देखना एक बार लाइन, अरेनियस एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंसेड एसिड बट अरेनियस बेस आर नॉट ब्रोंसेड बेस। ठीक है तो थम्स अप, नहीं तो आगे चलो। ठीक है तो थम्स अप दो, नहीं ठीक है तो बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
क्योंकि ब्रोंसिड ने भी एसिड की वही डेफिनेशन दी थी, अरेनियस ने दी थी, लेकिन ब्रोंसिड बेस की वो डेफिनेशन नहीं है जो अरेनियस ने कहा था, जो एच नेगेटिव देता है सोल्यूशन में, जबकि ब्रोंसिड बेस क्या था, जो एच प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो दो थ्योरी हो चुकी है। मेन इसमें क्वेश्चन क्या आता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर से ही क्वेश्चन आता है। आपको दे देंगे कुछ और आपको बताएंगे बताओ इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, या आपसे पूछेंगे कि कंजुगेट बेस क्या बनेगा, या आपसे ये पूछ लेंगे बताओ इनमें से एम्फोटेरिक कौन से हैं। किसी किसी बुक में आप एम्फी प्रोटिक भी सुनोगे तो वो सेम ही बात है, एम्फी प्रोटिक, एम्फी लिख दूं क्या, एम्फी प्रोटिक। ये भी क्या होते हैं, ये वो सॉल्वेंट होते हैं जो एच प्लस को देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। फिर से बोलूं, जो देना भी चाहते हैं जो लेना भी चाहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट, लुईस एसिड। ये मस्त है, ये मेरा फेवरेट है पर्सनली, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड। अब लुईस ने अलग भाषा दी भाई, मतलब अलग परिभाषा दी एसिड एंड बेस। क्या बोलता है ध्यान से सुनना, लुईस एसिड, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, लुईस लुईस के अकॉर्डिंग, और मैं अटेंडेंस भी लूंगी आज, लुईस के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनो क्या बोल गई, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और लुईस के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, लुईस एसिड कौन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा रखता है, मतलब जो गरीब है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। लुईस बेस कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, जो अमीर होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ लिखो सारे, लिखो सारे। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब मैम ये कौन कौन से होते हैं, चलो पढ़ते हैं, पहले देखते हैं लुईस बेस कौन से होते हैं। इधर आओ बच्चों, इधर आओ, देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा होगी, मतलब जो अमीर होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होंगे, देने के लिए रेडी बैठे हैं, ठीक है। जैसे बच्चे देखो, अमोनिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, याद करो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे वॉटर है, वॉटर क्या इसके पास है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, यस मैम। एल्कोहल है देने के लिए, यस मैम। देख पा रहे हो, बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ मैंने तीन लिखे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। और कौन से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जैसे देखो इनको तो देखते ही पता चल रहा है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, अरे बहुत सारे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा OH नेगेटिव दो बार लिख दिया क्या, ठीक है। चलो ये तो होते हैं लुईस बेस, समझ में आ गया कौन कौन होते हैं। अच्छा अब हम लुईस एसिड कौन से होते हैं, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अभी समझ में आ जाएगा। देखो अपने दिमाग में बिठाओ, लुईस एसिड गरीब, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो तो पक्का लुईस एसिड होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब वो गरीब है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखो Na प्लस, K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, H प्लस, Ag प्लस, ये सारे क्या है, लुईस एसिड हैव अ ग्रेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, क्लियर है। अपा ने BF3 का स्ट्रक्चर बनाया था केमिकल बॉन्डिंग में, याद करो बोरोन के पास तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीन एक्सेप्ट करता है, टोटल कितने हो गए उसके पास, छह, कितने की कमी है, दो, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनको भी हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड, वो भी क्या है, बेचारे गरीब हैं। ऐसे ही AlCl3, FeCl3, बहुत सारे होते हैं, SnCl4, बहुत सारे होते हैं जिनके पास, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो यानी कि दो कैटेगरी अभी मैंने बता दी, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तीसरी कैटेगरी आती है जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, जैसे सिलिकॉन, वैसे तो इसके चार बॉन्ड है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है,
लेकिन याद करो सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, 3s3p3d, याद करो 3d वैकेंट होती है इसके पास, 3d इसके पास क्या होती है, यस खाली होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा देने तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो यानी कि यस इलेक्ट्रॉन मैम, एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी किस कैटेगरी में आ गया, जल्दी बताओ, लुईस एसिड। जैसे देखो एफ नेगेटिव आ रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आपको रिएक्शन याद नहीं करने, वो मैं करवाऊंगी पी ब्लॉक में, अभी सिर्फ देखो। तो यानी कि कौन कौन से लुईस एसिड हो गए जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कैटायंस जिनकी बहुत कम टेंडेंसी है, ठीक है, और आपके वो वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या है सेंट्रल एटम के पास क्या है एम्प्टी या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यस ओके। जैसे देखो CO2, ये भी बेचारा बहुत ही भूखा है, लुईस एसिड है ये, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लगे हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे और इस बेचारे को क्या बना देंगे, भूखा बना देंगे, ठीक है। और ये क्या है लुईस बेस, तो मतलब ये इसको देने आएगा, ये रिएक्शन मैम कैसी हुई बाद में पता चल जाएगा, टेंशन मत। अभी तुम ये बताओ लुईस एसिड और लुईस बेस पता चल रहा है कौन होगा कौन नहीं, चलो यस ये क्वेश्चन कर दो फटाफट से, क्वेश्चन कर दो। पहला, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दीज एक्ट एज सच। नहीं, आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि कौन इसमें से लुईस एसिड होगा और कौन बेस, ये बताओ सबसे पहले, तो क्या होगा ये, लुईस बेस, शाबाश, लुईस बेस, ये ये भी लुईस बेस, लुईस बेस लुईस एसिड एसिड होगा, ओके फिर मत बोलना लुईस एसिड, बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है, चलो लुईस एसिड, शाबाश। ये बताओ अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एंड एसिड इज एन, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड क्या है, जल्दी बताओ, प्रोटोन, प्रोटोन, कौन बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, सिर्फ ये देखने के लिए कितना आपने अटेंशन से अटेंशन कितना आप क्लास में फोकस होके आपने सुना है चीजें को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लुईस एसिड, बताओ भाई कौन सा नहीं है इसमें से लुईस एसिड, BF3, FeCl3, AlCl3 एंड PH3। मैम डी, शाबाश, क्यों, क्योंकि PH3 क्या है ऐसा है, यस बाकी सब लुईस एसिड है, ओके। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, देखो जो मैंने अभी आपको बताया ना लुईस बेस, जिन जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, अभी लिख लो, और जो लुईस एसिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या मैंने पहले बताया था ये, नहीं बताया, आई थिंक फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, है ना। देखो बच्चे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, और एक बार बताओ इलेक्ट्रॉन से किसको प्यार होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी कि लुईस एसिड। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होते हैं, लुईस बेस, क्लियर है। चलो ये बताओ मुझे, ऑफ द फॉलोइंग आयंस द स्ट्रोंगेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, इनमें से स्ट्रोंगेस्ट ब्रोंस्टेड बेस कौन सा होगा बच्चों, बताओ। एक काम करो इनके एसिड्स लिख लो, HClO, और इसका क्या होगा HClO2, इसका HClO3 और इसका HClO4। अब इसमें से आपको चेक करना है वीक एसिड कौन सा है, हालांकि ये भी वैसे तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पता नहीं पीरियोडिसिटी में कराया था, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे याद करो बताया था, उतनी ही उसकी एसिडिटी होगी, अगर याद है तो, नहीं तो अभी ध्यान रखो, याद करो बताया था मैंने, NO3 है, जैसे HNO3 है वो स्ट्रोंग एसिड है HNO2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा स्ट्रोंगेस्ट बॉन्डेड बेस, क्योंकि जो इसका एसिड है वो क्या है बच्चों, और इसका ऐसी बात नहीं, ये तो भी मैं सिर्फ तुम्हें याद रखने के लिए बोलूं, पी ब्लॉक में इसका अच्छा खासा बोलते हैं ना रीजन है ऐसा क्यों होगा, बट अभी वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि चैप्टर
अगर मैं उसको यहाँ पे घुसा दूंगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑप्शन ए होगा बच्चे, आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंसिड बेस पूछा है तो आपको चेक करना है कौन सा होगा। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है, बताया था ना मैंने, लिख दूं, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ठीक है। और अगर आपसे पूछता वीकेस्ट ब्रोंसिड बेस तो आंसर डी होता। ये बताओ मुझे कंजुगेट एसिड ऑफ, बताओ भाई इसका कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव का, यानी कि ये क्या है तुम्हारे पास, बेस है। बताइए शिवांगी ये कह रही है, बताओ कंजुगेट एसिड, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इनमें, बच्चों को जल्दी हो जाते क्या कंजुगेट एसिड, आपको इसका कंजुगेट एसिड बताना है, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेस की तरह, ठीक है। तो NH3, शाबाश। कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, अब आपको ये नहीं पता होगा हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है, मैं बता देती हूँ, HNH3 जो होता है वो हाइड्राजोइक एसिड होता है। अब बता दो कंजुगेट बेस यानी कि एसिड की तरह बिहेव करेगा ये, बी ऑप्शन, देखना सही है। डाउट तो आज के लिए थैंक यू सो मच, क्लास हमारी हो गई ओवर। आई होप कि बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जितने भी हमने थ्योरीज पढ़ी आज, अरहेनियस है ना, ब्रोंसिड लोरी जिसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट भी बोला जाता है, लुईस एसिड लुईस बेस कंसेप्ट हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा लुईस एसिड क्या होते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं, लुईस बेस वाले अमीर होते हैं, ठीक है। याद करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया था मैंने, याद करो मैंने कहा था अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन है और BF3 के पास नहीं है, तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाते हैं, याद है, याद आ रहा है थोड़ा, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो है ना, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल चीजें की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट ये सब क्या होते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके ब्रोंसिड लोरी कंसेप्ट से, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। इसका भी सेम वही रहेगा कि पहले आपको NCERT और NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, देन नीट के PYQs, फिर उसी उसके बाद ही आपको मॉड्यूल पे जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत से बच्चों ने NCERT से कवर कर लिया होगा, और अब नीट के PYQs लगाना स्टार्ट करो तुम लोग, ठीक है।